प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, जिसमें आज हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी शुरू कर चुके हैं, जिसकी एक लेक्चर हो चुका है, आप बाकी के लेक्चर सीरीज भी जाकर देख सकते हैं। हम केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से पहले वर्चुअल वर्क। आपको वर्चुअल वर्क बड़े अच्छे से समझना है, तब आप उसे समझ लोगे, तभी आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल समझ पाओगे। देखो, वर्चुअल वर्क किस में कार्य करता है, समझने की कोशिश करो। ये कोई अर्थ है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, ये रही, ठीक। इसका वेट कहाँ लग रहा है, mg। इसकी रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर को। तो ये कैसा है, स्टेटिक। स्टेटिक का मतलब रेस्ट में। तो जब हमारी बॉडी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में होती है, तो वहां पे वर्चुअल वर्क लगता है। क्या लगता है, वर्चुअल वर्क। ऐसे ही हमारा डी एलम्बर्ट्स भी है, बस डी एलम्बर्ट्स की एक खास बात है, किसमें लगता है बच्चे मेरे, डायनामिक सिस्टम में। सर, ये डायनामिक सिस्टम कैसा है, समझने की कोशिश करो। देखो, कोई बूंद है पानी की, थोड़ी सी बूंद लेते हैं, छोटी सी, ये बूंद है। ये क्या कर रही है, वाटर ड्रॉप, ये नीचे गिरती आ रही है, ठीक। शुरुआत में तो ये क्या कर रही है, किसी वेलोसिटी से आती है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि तो यहाँ पर क्या लगता है, एक तरीके से एयर ड्रैग लगता है। बूंद का mg नीचे है और एयर ड्रैग, हवा का वो खींचना ऊपर की तरफ, क्या लगता है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि मैं बात बताऊं, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया, समझना, मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या बताया था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, कि बॉडी के द्वारा जो कंस्टेंट द्वारा फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो ओवरऑल फोर्स यानी के वेलोसिटी भी क्या होगी, एक तरीके से इसकी बढ़ने बंद होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये सिस्टम कैसा है आपका, डायनामिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है बच्चा मेरे, डायनामिक। तो जब डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे हम एक तरीके से डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब भी मैं आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इस चीज से थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक। सर कैसे, समझना, अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दें, किसके लिए, हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दें आई एथ पार्टिकल्स के लिए, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार, फॉर आई एथ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, आइथ वाला पार्टिकल मैंने ले लिया, तो मेरा एफ आई कितना हो जाएगा बेटा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, अबे संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। सर हमने तो ये पढ़ा है, ये क्या है, ये इसकी ही डेविएशन है। कैसा है, जैसे पी बराबर क्या होता है मेरी चांद, mv। तो m तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कांस्टेंट होता है, तो m भाग dv/dt, और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। तो ये वाला जो आप पढ़ते हो, एक तरीके से इसकी ही डेविएशन है। तो यहाँ पे हम एक बात बेसिक सी समझ गए, कि जब आईएथ पार्टिकल पे फोर्स की बात करते हैं हम, तो कितना आता है, dpi/dt, यही तो आता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सेम न्यूटन का सेकंड लॉ। कोई बॉडी है, वो आई एथ पार्टिकल पे इतना फोर्स लगा रही है। अब आपको पता है क्या सर, dr/dt, जब एक बार डिफरेंशियल होता है उसे आर डॉट लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। दो बार डिफरेंशियल हो तो दो डॉट लगा देते हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, ये तो एक बेसिक सी चीज मैंने आपको पहले भी पहली क्लासेस में बता रखी, कि जब टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल होता है तो वहां पे एक डॉट लगा देते हैं, दो बार डिफरेंशियल होता है तो दो डॉट लगा देते हैं। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल हो रहा है, और आपको ये भी पता है जो मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फी आई बराबर पी आई डॉट का वेक्टर, कोई समस्या नहीं। ये हमने किसके लिए लिखी है, आई एथ पार्टिकल के लिए।
अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? सबमिशन। यहाँ पर अभी डीएलएम बट ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबमिशन एक साथ लगा दिया। और एक साथ लगाने के लिए इसे इधर लाना पड़ेगा। ये आईएस पार्टिकल का था, हमने बॉडी में मान लिया टोटल एन पार्टिकल है, तो हम क्या लेंगे? फोर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। क्या लेंगे? फोर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, फोर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। सर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? किसी मेरे चार्ज को पता है, जल्दी वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखो। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है मेरे चांद? डेल आर आई नहीं होती क्या? तो हम यही तो करेंगे, पहले तो एन पार्टिकल के लेंगे, आई बराबर वन से लेकर एन तक, एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0। बताओ इस वाली बात में कोई समस्या है? अरे यार, आर आई की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो इधर तो 0 है, कहानी खत्म, इधर मल्टीप्लाई हो गई। बताओ कोई रॉकेट साइंस था इसमें? ये मैंने एक पार्टिकल के लिए दे लिया था, जब हम टोटल एन पार्टिकल्स लेते हैं तो एन पार्टिकल के लिए समीशन आ जाता है वन से लेके एन तक। अब आपको पता ही है, जो एफ आई है ये नेट फोर्स है। क्या है? नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट। हमारी तो समझ में नहीं आई हो क्या बात बताई? अबे यार क्यों घबरा रहे हो, ये कोई बॉडी है ठीक, इस बॉडी पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, एफ लगा दिया, और इसे मैं इधर की साइड खींचने लगा, डू 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 खींच रहा हूं। तो जब मैं खींच रहा हूं यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसके वेट की रिएक्शन होगी, तो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ये तो क्या है? अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स। और ये दोनों फोर्स क्या है? क्या ये कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है? अरे कॉन्स्टेंट फोर्स कौन से होते हैं? शुरुआत वाले दिन मैंने वही बताए थे, जो मोशन को रेस्ट्रिक्ट, रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये फोर्स मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स या नहीं कर रहा? तो कैसा फोर्स है? कॉन्स्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पे जो आपका एफ आई है वो किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स के प्लस कंस्टेंट फोर्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं? अभी नीचे स्पेस है, हियर एफ आई बराबर एफ आई अप्लाइड जो हम कर रहे हैं प्लस एफ आई जो उसमें खुद कंस्टेंट मोशन आ गया क्या उसे रोकने के लिए। तो यहां पे समझना, इसलिए मेरे पास क्या क्वांटिटी मिल गई? समेशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक मिल गई। एफ आई की जगह पर क्या आ जाएगा? एफ आई ए, एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट इंटू डोल डेट आर आई इज इक्वल टू 0। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन्हें ये तो मैं भूल ही गया, चांद मेरे एफ आई की वैल्यू तो रख दी, माइनस पी आई कौन रखेगा? नलायको। ये पी आई की वैल्यू रख दी। अब मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूं, बड़ा इजीली ब्रेक करूंगा। कैसे? समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक एफ आई ए डॉट डेल आर आई माइनस, माइनस नहीं, प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट डॉट, सबमिशन भी तो है बाहर, जल्दी के चक्कर में भूल रहा हूँ सबमिशन वगैरह, एफ आई सी डॉट डेल आर आई माइनस, अब ये आएगा सबमिशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल्स टू 0। समझे नहीं समझे? अरे सबमिशन की सब में मल्टीप्लाई है, डॉयल डॉट आर आई की सब में मल्टीप्लाई है, ये ऐसी एफ आई ऐसा ही, अप्लाइड वाला कंस्टेंट वाला ऐसा ही, आपका पी आई ऐसा ही। यहाँ पे हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है बड़ी तल्लीनता के साथ। देखो यहाँ पर जो ये कॉन्स्टेंट फोर्स लेते हैं, हम ऐसा कॉन्स्टेंट फोर्स लेते हैं जिसके लिए अप्लाइड वर्क 0 हो। नहीं समझे?
देखो, कॉन्स्टेंट फोर्स हम वो लेते हैं जिसके लिए ये वाली वर्क, यही तो है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो। समझना समझना, ये मैं नहीं कह रहा, कभी सोच रहे हो ये मैं कह रहा हूं तो कौन कह रहा है, डीएलएम्बर्ट ने कहा ये बात कि हम यहां पर कंस्टेंट फोर्स केवल वो वाला इंक्लूड करेंगे जिसकी वजह से वर्क वाली टर्म जीरो हो जाए। सर कैसे, इसे आप बताओ तो सही, समझो चांद मेरे, ये कोई बॉडी है, हर एक स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझेंगे। मेरा मानना यह है थोड़ा पढ़ो, नन्ना पढ़ो, पर सॉलिड पढ़ो, ठीक। ये नहीं आप किताब पे किताब पढ़ो जा रहे हैं लेकिन सॉलिड कुछ भी नहीं है। समझो, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया एफ, ये अप्लाइड है अप्लाइड, यहाँ पे क्या हुआ चांद मेरे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया और यहाँ पे वेट की रिएक्शन आएगी। समझो, जब मैं इसे खींच रहा हूं इधर को, तो क्या रिएक्शन इसे रोकने की कोशिश कर रही है? नहीं, तो रिएक्शन तो कोई भी इस पे इफेक्ट डाल ही नहीं रहा, इफेक्ट कौन डाल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर हम इस वाले, ये दो कंस्ट्रेंट फोर्स हैं, इस वाली इक्वेशन में ये वाला काउंट नहीं करेंगे, काउंट कौन सा करेंगे, रिएक्शन वाला। समझे क्यों? क्योंकि हमारे, हमने नहीं, डीएलएम्बर्ट ने क्या क्या, इस इक्वेशन में हम कंस्ट्रेंट फोर्स वो वाला लेंगे जिसकी वजह से इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी के वर्क डन इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो क्यों होना चाहिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अप्लाइड इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा। अब 90 डिग्री का है और आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब वर्क डन यानी कि वाली टर्म क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वाला फ्रिक्शन फोर्स नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये इफेक्ट डाल रहा है और डीएलएम्बर्ट ने कहा था कि जो इफेक्ट डाल रहा है वो हम काउंट नहीं करेंगे। एक चीज और सही कर लेना बच्चा, क्या यहाँ सबके ऊपर वैक्टर फोर्स भी तो वैक्टर क्वांटिटी है, याद आ गया मेरे, फोर्स भी तो वैक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर भी क्या लगाते चलना है। अभी ए डॉट बी लिखा तो मेरे याद आ गया, और ये पी आई डॉट है, पी आई डॉट है ये, समझे, पी आई का डिफरेंशियल है ये, ठीक। यहां पर हम क्या लेंगे, ऐसा कॉन्स्टेंट फोर्स लेंगे जिसकी वजह से ये वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हियर एफ आई सी टेकन सच दैट एफ आई सी डॉट डेल आर वन इज इक्वल टू जीरो, यो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसलिए मेरे पास नई इक्वेशन क्या मिल गई, आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक एफ आई ए डॉट डेल आर वन आर आई, ये तो जीरो होगी, माइनस समीशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक पी आई डॉट वेक्टर इनटू डॉट डेट आर आई बराबर जीरो। अब मैं कंबाइन करके लिख दूं, समीशन आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन पूरे में कॉमन, यहाँ क्या बचा, एफ आई ए वेक्टर माइनस पी आई डॉट का वेक्टर इंटू डोल डेट आर आई इज इक्वल टू जीरो। समझना चांद मेरे एक चीज, जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इसे और इस इक्वेशन को सेम लेके चलते हैं। देखो, ये इक्वेशन ओवरऑल करेक्ट है हर चीज के लिए, ये इक्वेशन तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है एक तरीके से, वो क्या है, करेक्ट है। लेकिन यो इक्वेशन तब आती है तब कंस्टेंट फोर्स के लिए ये वाली टर्म जीरो। ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना, ये इक्वेशन वे हैं जिसमें कंस्टेंट फोर्स के लिए ये वाली टर्म जीरो है, और ये जनरल टर्म में जो सब में एक्यूरेट बैठते हैं, यूं वहां एक्यूरेट बैठती है जहां पे कंस्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। मतलब कंस्टेंट फोर्स नहीं, कंस्टेंट फोर्स वो वाला हो जिसकी वजह से ये वाली टर्म यानी कि एक तरीके से वर्क डन क्या बैठ जाए, जीरो। अगर मैं इसे जनरली लिखूं तो हम ऐसे भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन अबव इक्वेशन कंस्टेंट फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड, जो हमें ऊपर इक्वेशन दी है इसमें
कंस्ट्रेंट फोर्स हम ले ही नहीं रहे, कंस्ट्रेंट फोर्स की वजह से जो टर्म बन रही थी हमने उसे जीरो ही मान लिया। सो जनरली वी कैन राइट इट, सो जनरली वी कैन राइट इट। तो हमें भैया यहाँ पे हम जो एफ आई अप्लाइड दिखा रहे थे तो हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें कॉन्स्टेंट फोर्स लेना ही नहीं है। तो हम इसे जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वन समीशन एफ आई माइनस पी आई डॉट इनटू डेल डेट आर आई इक्वल जीरो। इन दोनों को बराबर समझने की कोशिश मत करना, इसमें आपका कॉन्स्टेंट फोर्स भी काउंट है लेकिन इसमें नहीं है। तो यही क्या है हमारा, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। लिख देना साइड में नहीं, नीचे लिखना, दिस इज द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। लो चांद मेरे, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की एक प्रॉब्लम समझाता हूं मैं, उसे आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, मतलब दोनों का मेरा मतलब है एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी ठीक, और एक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स यानी के आपकी डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से। समझो आप बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हो, क्या ये मान लो ये कोई क्या है, इनक्लाइंडेड प्लेन है, झुका हुआ आनत तल, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, पुले, और हिंदी में बोलते हैं इसे घिरनी, और इस घिरनी पे एक रस्सा लगा दिया, यहाँ पे वेट रख दिया हमने, कौन सा वेट रख दिया चांद मेरे, एम वन, और यहाँ पे कौन सा लटका दिया, एम टू। तो समझना, इससे एक रस्सी यहाँ अटैच कर दी और इससे एक रस्सी यहाँ अटैच, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इस एम वेट जो है इसका वेट एम टू जी नीचे को वर्क करेगा, और इसका भी वेट एम वन जी कहां को वर्क करेगा, नीचे को। कोई समस्या, ये रस्सी है, रस्सी में टेंशन फोर्स लगेगा, इसमें टी वन मान लिया और इसमें क्या मान लिया, टी टू। ये तो सीधा है लेकिन ये तिरछा है, तो ये कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो ऐसा है और एक ऐसा, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, जो इससे दूर हो, इससे दूर हो तो वो क्या होता है आपका, साइन में, और जो एंगल के बराबर होता है वो कौन सा होता है, कोस में होता है। ये आपको सारी चीजें पता है, इसकी भी रिएक्शन लगेगी ऐसे, ठीक, इसमें भी लगेगी लेकिन इसमें तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप फिगर से देखो, चित्र से देखो, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, चित्र से यह साफ है, क्या साफ है, मान लो ये जो यहां से ये डिस्टेंस ऐसे है आर वन, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर टू वैक्टर, ठीक। अब यहां से आप चित्र से क्लियर है कि ये दोनों क्या है, टी टू बराबर एम टू जी और टी वन बराबर किसके है, एम वन जी साइन थी। सर यो कैसे आया, समझो, अरे यार एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक ऊपर को लग रहा है, तो बैलेंसिंग में, इक्विलिब्रियम में, कौन से इक्विलिब्रियम में, डायनामिक में ले लो, स्टैटिक में ले लो, इक्विलिब्रियम में तो ऊपर नीचे के दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ ये दोनों बराबर, यहाँ ये दोनों बराबर, समझिए आर किसके बराबर आएगा, एम जी कोस थीटा के, लेकिन हमें आर का कुछ करना ही नहीं है। अब सिंस The string is inextensible, मतलब रस्सी खिंचती नहीं है। सर ऐसे क्यों कह रहे हो, खिंचती नहीं है, देखो मेरे पे जो बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो एस चांद की बुक है, टू मासेज एम वन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इनएक्सटेंसिबल, दिख रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हो, लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है, देखो किस तरीके से प्रूफ किया हुआ इन्होंने, दिख रहा। अब मैं तुम्हें अलग तरीके से दिखा रहा हूं, थोड़ा सा नन्ना सा, बुक के हिसाब से नहीं होता मेरा, थोड़ा सा अलग होता है। इनएक्सटेंसिबल होने का मतलब जो टेंशन है दोनों बराबर हैं, मतलब खिंचती नहीं है, एक्सटेंशन नहीं होता, एक्सटेंशन ना होने का मतलब दोनों टेंशन बराबर है। इसका मतलब क्या,
जी साइन थीटा बराबर एम टू जी, जी से जी कट गया तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, एम वन अपॉन एम टू के। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। ये रहा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इफ साइन थीटा बराबर एम वन एम टू, ये प्रूफ करना था। ये देखो यो इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा यो क्या हुआ है, इन्होंने डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है हमने लगाई है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैं आपको दिखा रहा हूं डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहाँ काम करता है। अब हम इस प्रॉब्लम को, यो तो मैंने दिखा दिया आपको, यो पेपर में नहीं करनी, यो दिखा दी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। अब देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो वे डायनेमिक इक्विलिब्रियम ले लो, स्टैटिक ले लो, लेकिन हम डीएलएम्बर्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे डायनेमिक ही चलेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से कैसे सोल्व करेंगे, देखो बाय डी एलम बर्ट्स प्रिंसिपल। बेटा डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, समेशन आई इक्वल टू वन से लेकर टू तक, तो क्यों, क्योंकि दो बॉडीज हैं। कितना लो आप एन ही लिखो, एन ही लिखो, पहले सूत्र लिखते हैं क्या है, एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। कोई रॉकेट साइंस है इसमें सर? कोई भी नहीं है। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। आपको पता सम्मिशन का मतलब क्या होता है, प्लस। कितने पार्टिकल हैं इसमें, दो, एक ये वाला एम वन वाला और एक एम टू वाला, तो दो बॉडी प्लस होंगी। पहली बॉडी वगैरह लेके आ जाएगा एफ वन माइनस पी वन डॉट डेल आर वन प्लस, दूसरी बॉडी के लिए एफ टू माइनस पी टू डेल आर टू बराबर जीरो। इसमें कोई समस्या, मैं बार बार आपसे एक चीज रिपीट करता हूं कि मैं कहीं पर वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो आप इस वेक्टर को लगा देना। अब वैल्यू रखना चालू करते हैं। अब देखो जब हम एफ वन की बात करेंगे तो पहला पार्टिकल ये है, इस पर बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसा कौन सा फोर्स चल रहा है, एम वन जी साइन थीटा। तो लो जी यहां तो क्या आ गया, एम वन जी साइन थीटा। हम इधर को ही तो ले जा रहे हैं बॉडी को, मान लो इधर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक, तो बॉडी इधर को जा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं टी वन एम वन जी, ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कॉन्स्टेंट फोर्स है। क्या है कॉन्स्टेंट फोर्स, तो यहां जो लिया जाता है एफ आई, आपको याद हो एफ आई कौन सा था, एप्लाइड फोर्स, यहां पे एप्लाइड कौन सा है, एम वन जी साइन थीटा माइनस माइनस। जब हम पी वन की बात करेंगे, पी वन क्या होता है बेटा, पी वन डॉट है यो, समझे, बार बार बोलता हूं, पी वन डॉट का मतलब क्या, डीपी बाई डी टी, और पी बराबर क्या होता है एम वी, तो डी सुनना एम वी बाई डी टी। अब ये एम तो बाहर आ गया, कितना डी वी बाई डी टी, ये क्या होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है चांग मेरे, डिस्टेंस का दो बार डिफरेंशियल। अब दो बार डिफरेंशियल को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं, दो बार डॉट, पकड़े नहीं पकड़े, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पी आई की पी वन की जगह पे एम वन आर वन डबल डॉट। आई बात समझ में? नहीं आई सर? आ सर, ये हम इस वाले पार्टिकल पे जितने भी फोर्स है वे यहां लिखे जाने, इस वाले पार्टिकल पे जितने भी फोर्स है यहां लिखे जाने, ये तो अप्लाइड फोर्स आ गया सर। कंस्टेंट फोर्स भी तो लो, ये कंस्टेंट फोर्स ही तो है। मैंने क्या बताया, कंस्टेंट फोर्स वो लेते हैं जिसके लिए एफ सी डॉट डेल आर वन क्या हो जाए, जीरो। और जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो इसे लिखोगे थोड़ी नालायक हो, चलो सर समझ गए। प्लस एफ टू पे आओ, एफ टू पे अप्लाइड फोर्स कौन सा है, एम टू जी, हो गया, इस चीज को रफ कर दो। माइनस पी टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एम टू आर टू डबल डॉट इंटू डेल आर टू इज इक्वल टू जीरो। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने लगाया, कोई मैंने फारसी की टांग इसमें लगाई हो आपके लिए, ठीक। अब आपको पता है जो रोप है या स्ट्रिंग है वो इन एक्सटेंसिबल है, तो इस बात को लिख दें, सिंस द
स्ट्रिंग, स्टिंग नहीं, पीने वाली स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंशिबल, देन तब इनएक्सटेंशिबल का मतलब बढ़ नहीं रही है, खिंच नहीं रही, यानी कि R1 और R2 हैं वो एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। अबे योर योर डिस्टेंस फिक्स ही तो रहेगी, क्यों इनएक्सटेंसिबल है, खिंचेगा नहीं तो डिस्टेंस बदल ही नहीं सकती। और जब ये इनएक्सटेंसिबल है तो अगर मैं इनका डिफरेंशियल करता हूं तो वो जीरो ना आ जाएगा, समझे नहीं समझे? डेल्टा मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्स्टेंट में फिक्स वैल्यू में आप कर ही नहीं सकते। तो यहां से डेल R2 कितना हो गया, माइनस डेल R1, कोई समस्या? या आप ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, कुछ भी लिख लो, एक को उधर पहुंचा दो, कोई फर्क पड़ना है उधर जाके किस में हो गया, माइनस में, एक वैल्यू तो मेरे पास ये मिल गई। ठीक, जब R1 + R2 जीरो है तो इसका एक बार डिफरेंशियल करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में वो भी जीरो, और दो बार डिफरेंशियल करोगे वो भी जीरो, यानी कि R1 = R2 यो भी क्या रहना है, जीरो ही रहना है। यहां से मैं R2 की वैल्यू निकाल लूं, कितनी, R1 माइनस में, ये उधर जाके माइनस में, उधर जाके माइनस में, यानी कि जो R1 R1 R था ना उसे सबको मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में कन्वर्ट, या R2 को R1 में कन्वर्ट कर लूं, बात एक ही है। देखो आंसर यही आएगा। सर एक चीज तो बताओ, क्या जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स इतनी आसान है तो हमने यो दिमाग में गोबर पालने के लिए डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल क्यों पढ़ा? देखो ये प्रॉब्लम है बहुत इजी, बहुत चुटकी वाली, इसलिए ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी सॉल्व हो रही है। लेकिन आगे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, अभी जब MSc करोगे या कुछ भी करोगे तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें ये इतनी अच्छी काम नहीं करेगी जितना आपका डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल करेगा। ये मैंने करा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व, अब मैं कर रहा हूं किसे इसे सिंपल से, मतलब आपके डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है चांद मेरे, वन, तो वन में ये वैल्यू रखो, कौन सी, ये दोनों जो आपने यहाँ पे लिखी है, तो वन इंप्लाइज M1g sin θ माइनस M1, साथ में मल्टीप्लाई भी कर लो, डॉट डेल R1 माइनस M1, R" की जगह क्या लिखोगे, R1 तो R1 ही रहने दो, मैं टू में कन्वर्ट कर रहा हूं सबको, R1 डॉट डेल R1 प्लस M2g डॉट डेल R2। अब यहाँ पे देखो डेल R2 किसके बराबर है, माइनस डेल R1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये वर्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस M2 R2 डॉट डेल R2। अब देखो R2 किसके बराबर, माइनस R1 के, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डॉट डेल R2 किसके बराबर, माइनस डेल R1 के, तो फिर से माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1। ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस वैल्यू चिपकाई है मैंने। ठीक, अब यहाँ पे आप एक बात सिंपल सी समझो, रफ कर दू इसे, उसे तो लिखा रहना हो ताकि आप रिजल्ट देख सको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, जो हमारा R1 है, R1 वो क्या हो जाएगा, जीरो। सर कैसे, देखो कहीं गलती हुई तो भूल चूक लेनी देनी, फॉर डायनामिक सिस्टम, अगर हम डायनामिक सिस्टम यानी कि इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, किसकी, डायनामिक की, वहां पर R1 क्या हो जाता है, जीरो। सर R2 भी तो हो सकता है, R2 तो मैंने उड़ाई दिया पूरी इक्वेशन से, इधर इक्वल टू 0 भी चल रहा है। ठीक सर, ऐसा क्यों, आपको याद है मैंने डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल अभी इसी वीडियो में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, जैसे बूंद गिर रही है उसका वेट mg है और यहाँ पे एयर ड्रैग लग रहा है, तो इस एक स्थिति ऐसी आती है जहां उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है यानी कि एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है,
तो यही आपका क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। ये आर डबल डॉट का मतलब क्या, डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल और एक्सीलरेशन क्या हो गया इस दौरान जीरो। तो जहां आर वन डबल डॉट आ रहा है वो जीरो कर दो, आर वन डबल डॉट आर वन डबल डॉट, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी जीरो। तो हमारे पास बचेगा क्या, इसलिए एम वन जी साइन थीटा डॉट डेल आर वन, ये तो जीरो हो गया, माइनस एम टू जी डॉट डेल आर वन, ये भी आर डबल डॉट है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखो एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी डॉट डेल आर वन इज इक्वल टू जीरो, ये कॉमन। अब ये तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मानना हुआ है कि बॉडी हल्का सा डिस्प्लेस लेगी, तो यो तो जीरो होने से रहा, तो इसलिए मेरे पास यहां पर एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ये तो जीरो होने से रहा, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। कर दो नीचे का ये रफ स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया सर। अब आप समझो एम वन जी साइन थीटा बराबर एम टू जी, तो यहां से जी से तो जी कैंसिल आउट, तो साइन थीटा किसके बराबर, एम टू अपॉन एम वन। ठीक, यहां भी देखो किसके बराबर है, उल्टा लिख दिया था, एम टू अपॉन एम वन के। बताओ सर, न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो बड़ी कमाल की है, उसने इतनी देर में कर दिया, और डीएलएम्बर्ट से इतना लेंथी। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि जब आगे जाके लॉन्ग प्रॉब्लम आएगी, जब कभी आप हमसे पढ़े या किसी और टीचर से पढ़ोगे भविष्य में, तो अब आपको पता चलेगा ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सोल्व हो जाती है। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है, खतरनाक प्रॉब्लम आती है, उसे मैं करा दूंगा एक आधा क्वेश्चन कभी। ठीक, अभी तो आपको कोई खास नहीं डालनी, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल की कहानी होती है। आशा करता हूँ आपको डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे की नेक्स्ट यूनिट चलेगी, वो चलेगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।